हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रेजेंटेड बाय सी एस सी प्रेजेंटेड बाई श्रीवास्तव एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस सो हियर विल बी गो एंड आई एम बैक एंड फाइनली आज से हम हमारे सेशंस वापस से स्मार्ट बोर्ड के साथ शुरू करने वाले हैं और बताना चाहूंगी कि एंशियट हिस्ट्री के अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं ये वाले मंथ में जुलाई मंथ में आपका एंशियंट हिस्ट्री एंड हो जाएगा और जितने भी हमारे सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स थे आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सोशोलॉजी इग्नू स्टडी मटेरियल की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अगस्त मंथ से ओके और वो सीरीज़ यूट्यूब पे होने वाली है तो टेंशन मत लेना जैसा मैंने प्रॉमिस करा था अभी हम इग्नू के साथ कंटिन्यू करेंगे ओके ओके एवरी वन सो वेलकम एवरी वन गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है एंड हैप्पी मंडे टू एवरी वन अन अकेडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ फ्री स्पेशल क्लासेस सोशियोलॉजी के कुछ क्लासेस हमारे रह गए थे लास्ट एक चैप्टर हमारा जो रह गया था वो मैं आपको फ्री स्पेशल क्लास में कवर कराऊंगी ओके आ, साथ में अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर मैं लॉन्च करने जा रही हूँ अपना अपना कोर्स और मेरा जो प्लास कोर्स रहेगा ये स्पेशली रहेगा फॉर एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स तो जितने लोगों का भी एंथ्रो ऑप्शनल है आपके लिए बता दूँ कि फर्स्ट ऑफ अगस्त से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो इसके लिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और यदि आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस टेस्ट सीरीज बेस्ट फीचर ये है कि आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे एंड यू विल गेट कंप्लीट कवरेज आपको ऑप्शनल के 40 से ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं और आपको जो आपका फ्रिलिम्स है और मेंस है उनकी प्रिपरेशन अलग से मिल रही है आपको आंसर राइटिंग के सेपरेट बैचेस मिल रहे हैं आपको स्पीड टेस्ट मिल रहा है अलग से तो ये सारे कुछ के लिए आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी है एक बार में सब्सक्रिप्शन लेकर फ्री होना है सो माय सजेशन इज दैट गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन से कहीं ज्यादा बेहतर फीचर्स हैं तो यदि यस आप टू ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो गो फॉर सब्सक्रिप्शन ओके सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज कोड आर जे लाइव यदि आप आर जे एल आई वी ई ये कोड यूज करते हैं इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल एंड मेरा कोर्स इंथ्रो का स्टार्ट होने वाला है सो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट के पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा ताकि आप उस कोर्स में स्टार्टिंग से उस कोर्स को ज्वाइन कर पाए सो यूज कोड आर जे लाइफ फॉर ज्वाइनिंग दैट कोर्स ओके और साथ में मेरा सोशियोलॉजी ऑन कोर्स चल रहा है और ये कोर्स भी फर्स्ट ऑफ अगस्त से कंटिन्यू होने वाला है सो so, जितने लोगों ने भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल uh, में लिया है गो फॉर दिस कोड आर जे लाइफ ओके आपको सारे इंफॉर्मेशन सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगे चलो सो so, फाइनली अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के प्लीज बी पेशेंस अपना पेशेंस रखें थोड़ा सा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ टॉपिक स्टार्ट करने के बाद ओके फिलहाल मैं एशियंट कवर करा रही हूँ एशियंट पे टेस्ट और एमसीक्यूज भी कराऊंगी और उसके बाद आई विल ट्राई टू टेक अ मिडाइवल पर स्पेशल क्लासेस हम संडेज को लिया करेंगे ओके यूट्यूब पर सोशोलॉजी के लेक्चर्स वापस आने वाले हैं दिस टाइम वी विल स्टार्ट विद इग्नो स्टडी मटेरियल इस बार हम इग्नो स्टडी मटेरियल के साथ कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सो so वापस आ रहे हैं सोशोलॉजी के यूट्यूब पर सोशोलॉजी के लेक्चर्स वापस आ रहे हैं एज ऑफ आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए एंड वो सारे मैसेजेस को देखकर सारे स्ट्रेटेजी चेंज करके ओनली फॉर यू ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स सोशोलॉजी का बैच वापस स्टार्ट कर रही हूँ मैं ओके, सो सोशियोलॉजी वाले टेंशन नहीं लेना है ओके टेंशन नॉट सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ पढ़ाई करो, ओके okay, तो आज का टॉपिक है आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कुशान कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जब भी नाम आता है कुषाण डायनेस्टी का तो यहाँ पर नाम किसका आता है कनिष्क का कनिष्क वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग कनिष्क सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग थे कुशाण डायनेस्टी के तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग कुशान डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड जितने भी डाउट्स हैं अभी आपको अपने डाउट्स होल्ड पर रखने हैं फी स्ट्रक्चर कितना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे और वहां पर गो फॉर वन ईयर और टू ईयर सब्सक्रिप्शन देन फी स्ट्रक्चर में आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा फ़ी स्ट्रक्चर को जानने के लिए अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर जाना है यू पी एस क्लिक करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओके यस yes, वर्षा चौहान जी मैंने जस्ट आपको अभी बताया ओके okay, स्टार्ट करें हमारा सेशन तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हमारे इस एशियंट हिस्ट्री में हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक कुशाण डायनेस्टी जब भी हम कुषाण डायनेस्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये जो कुषाण डायनेस्टी थी इनका एक्चुअल लोकेशन क्या था इनकी अवस्थिति कहाँ थी तो ये इंडिया के पहले ये कहाँ पे थे कुशान डायनेस्टी के बारे में बात करें तो जो कुशांश थे बेसिकली ये कहाँ स्टैब्लिश थे कहाँ इनका मेन लोकेशन था तो ये सेंट्रल एशिया से थे कहाँ से थे सेंट्रल एशिया से थे सेंट्रल एशिया में भी हम लोग और स्पेसिफिक जाएं तो कुशांश जो थे ये सेंट्रल एशिया वेस्टर्न चाइना और यूशी रीजन से थे कहाँ से थे सेंट्रल एशिया वेस्टर्न चाइना और रीजन कौन सा था तो यूशी रीजन से ये लोग थे तो हमें अभी तक कुशांस का लोकेशन समझ में आ गया कि जो कुशान वंश था या कुशान डायनेस्टी थी वो एग्जैक्टली exactly कहाँ से थे उसके बाद ये इंडिया आए उसके बाद ये सेंट्रल एशिया से आगे 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 आकर इंडिया तक पहुँचे ओके इंडिया में ये आए तो इंडिया में कुजुल कट फीसिस ओके फाउंडर ऑफ कुशाण डायनेस्टी इंडिया में कौन था इंडिया में कुजुल और वो कुशाण डायनेस्टी को कहाँ ले आया कुषाण वंश को कहाँ लेकर आ गया कुषाण वंश को भारत में लेकर आ गया कुषाण वंश को इंडिया में लेकर आ गया ओके okay? सारे लोग अपने डाउट संभाल के रखिए ओके okay? एक बार कर दीजिए मैं सबके आंसर्स देने वाली हूँ आज छोटा सा टॉपिक है ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए कुशान डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड जब भी हम कुशान डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हमें कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इंडियन आर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ओके होप यू विल अंडरस्टैंड चलो तो आगे बात करते हैं। हमें इतना समझ में आया कि कुशांस कहाँ से आए थे सेंट्रल एशिया वेस्टर्न चाइना और यूशी रीजन से आए थे ये इंडिया में कौन था कुशाण पहला रूलर कुजुल कट फाउंडर ऑफ कुशाण डायनेस्टी माना जाता है ठीक है चलो तो कुजुल कट नाम का ये जो राजा था कुडुलट कुजुलट फीसिस नाम से ये जो रूलर था इसने इंडिया में कॉपर कॉइन शुरू करवाए थे क्या करा था ही स्टार्टेड कॉपर कॉइन्स इन इंडिया भारत में कॉपर कॉइन्स तांबे के सिक्के किसने शुरू करवाए तो भारत में तांबे के सिक्के कुट फीस ने शुरू करवाए थे ओके आगे की बात करें तो कुजुल कट फीसिस के बाद कुशाण डायनेस्टी का अगला राजा कौन बना कुजुल कट फीसिस के बाद कुशाण डायनेस्टी का अगला राजा, अगला राजा अब बन चुका था बिम कट फीसिस कौन बन चुका था बिम कट अब यहाँ पर अगला राजा बन चुका था ओके चलिए अगला राजा बिम कट ने अब बिम कट राजा बन गया है ना कुजुल कट तो चला गया कॉपर के सिक्के शुरू करवा दिए कॉपर कौन से स्टार्ट करवा दिया एंड ही इज डन ओके बिम कट ने कुछ और काम कराए करेंसी के, के केसेस में बिम कट ने कुछ और काम करवाए थे सो तो लेट्स हैव अ लुक कि उन्होंने कौन से कौन से काम करवाए थे ओके Just hold on. चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप बिम कट पीसेस ने कौन से कौन से काम करवाए थे ओके okay. सो so, बिम कट पीसेस ने बिम कट पीसेस के बारे में हम बात करें तो बिम कट पीसेस को कुशान डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर माना गया है ना कुजुल कट पीसेस लेकर तो आ गया था कुशान डायनेस्टी को लेकिन इसका असली श्रेय इसका असली क्रेडिट किसको जाता है तो इसका असली क्रेडिट किसको जाता है बिम कट को जाता है इज इट क्लियर अभी यहाँ तक समझ में आया एवरी वन अभी यहाँ तक समझ में आया चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं आगे समझते हैं अब बिमकट पीसेस ने कुछ काम करे थे बिमकट पीसेस ने कुछ काम करे थे इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन स्टार्ट करवाए थे इंडिया में तो कुशाण डायनेस्टी से इंडिया में सोने की ठीक है गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइंस एक्चुअली इट इज कॉपर ठीक है गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइंस को कौन लेकर आया था तो ये बिम कट पीसेस लेकर आए थे कौन लेकर आया था वो सिल्वर नहीं है वो कॉपर है तो गोल्ड और कॉपर कॉइन कौन लेकर आया था बिम कट पीसेस लेकर आया था बिम कट पीसेस ने जो कॉइंस शुरू करवाए थे ओके बिम कट पीसेस ने जो सिक्के शुरू करवाए थे।, कर थे जो कॉइंस शुरू करवाए थे उन पर हमें सिंबल्स देखने को मिले उन पर हमें चिन्ह देखने को मिले उन पर हमें भगवान शिव नंदी और त्रिशूल ये तीन चीजें उन कॉइंस पर देखने को मिली हैं अब शिव नंदी और त्रिशूल किसके तरफ इंडिकेट करते हैं तो ये तीनों चीजें भगवान शिव लॉर्ड शिवा के तरफ इंडिकेशन देते हैं तो ये चीजें ये बताती थी कि जो बिम पीसेस था ये किस रिलीजन को फॉलो कर रहा था तो जो बिम पीसेस था ये शैव धर्म का पालन कर रहा था शैव रिलिजन को फॉलो कर रहा था अभी तक आपको चीजें समझ में आई अभी तक आपको चीजें समझ में आई ओके okay. ये सब समझ में आ रहा है कुजुल कट फीसेस स्टार्टेड द कॉपर कॉइन देन बिम कट एक्चुअल फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी उसके बाद बिम कट ने क्या स्टार्ट करवा दिए गोल्ड कॉइन स्टार्ट करवा दिए जो गोल्ड कॉइन स्टार्ट करवाए उन गोल्ड कॉइन्स पर हमें क्या मिला है उन गोल्ड कॉइन्स पर हमें सिंबल मिले हैं शिव का नंदी का और त्रिशूल का जो क्या बताते थे कि जो बिम कट था ये किस रिलीजन को फॉलो कर रहा था ये शैव रिलीजन को फॉलो कर रहा था शैव धर्म का पालन कर रहा था ठीक है अब हम बात करेंगे जिसके लिए जिसके लिए कुषाण डायनेस्टी जानी जाती है दैट इज हम बात करेंगे कनिष्क की किसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कनिष्क की कनिष्क जिसने 78 से 105 ड्यूरेशन तक जो है रूल करा है कनिष्क के बारे में यदि बात करें तो कनिष्क वाज द ओमनीप्रेजेंट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी ये ऑमनी प्रेजेंट किंग था ओमनी प्रेजेंट राजा था कुषाण डायनेस्टी का दैट इज कुषाण वंश का सर्वव्यापी राजा था कैसा था सर्वव्यापी राजा था कनिष्क कनिष्क की कैपिटल क्या थी कनिष्क ने कौन सी कौन सी तो कनिष्क के बारे में बात करी जाए तो कनिष्क की दो कैपिटल थी कौन सी कौन सी सबसे पहली कैपिटल थी पुरुषपुर या फिर जिसको पेशावर कहा जाता था और एक और कैपिटल थी मथुरा तो ऐसे कुाण डायनेस्टी में कनिष्क की दो राजधानियां हुआ करती थी पेशावर और मथुरा चलो कनिष्क से रिलेटेड ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 78 जिस साल जिस वर्ष कनिष्क कुशाण डायनेस्टी का रूलर बना था वो था 78 एडी 78 डी 78 ईस्वी से इंडिया में भारत में सक संवाद की शुरुआत मानी जाती है ठीक है तो भारत में शक संवाद की शुरुआत किस संवाद की शुरुआत भारत में शक संवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है तो ये अठहत्तरवीं ईस्वी से भारत में शक संवाद की शुरुआत मानी जाती है जिस समय कनिष्क क्या बना था कुषाण वंश का राजा बना था कुषाण डायनेस्टी का राजा बना था चलिए अब हम लोग यहां पर एक और बात करते हैं कि कनिष्क ने एक लड़ाई लड़ी थी और जिसके लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और यह था चाइना वॉर ठीक है यह था पंचवा चाइना वॉर जिसमें पहले कनिष्क हार गया था लेकिन बाद में कनिष्क को जीत मिली थी ओके चलो आगे देखते हैं आगे समझते हैं सो so, अब हम लोग बात करते हैं कनिष्क के लाइफ से रिलेटेड क्योंकि कुषाण डायनेस्टी में ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कनिष्क के ही आसपास से आएंगे तो हमको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट कि कनिष्क के लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या थे या कनिष्क के ड्यूरेशन में वो कौन सी कौन सी चीजें हुई हैं जो हमें मीन्स में, में भी हेल्प करेंगी और हमें प्रिलिम्स में भी हेल्प करेंगी तो हम लोग बात करते हैं ये ये तीन चीजें जो हैं कनिष्क के टाइम पर बहुत ज्यादा हुई हैं पहली चीज तो चौथी बुद्ध संगीति फोर्थ बुद्धिज्म बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुआ था जब कनिष्क रूलर था उस समय पर चौथी बुद्ध संगीति हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और क्या हुआ था तो कैप्चर सिल्क वे बिटवीन रोम टू चाइना चाइना और रोम के बीच में जो सिल्क वे था ठीक है उस सिल्क वे को भी कैप्चर कर लिया था कनिष्क ने और ओरिजिन ऑफ टू स्ता, आर्ट स्टाइल कनिष्क के टाइम पे ही कुशाण डायनेस्टी के टाइम पे भी दो आर्ट स्टाइल दो इंडियन आर्ट स्टाइल का ओरिजिन हुआ है ठीक है कौन सी कौन सी कलाओं का ओरिजिन हुआ है यहाँ पर तो देखो एक थी गांधार स्टाइल कौन सी एक थी गांधार स्टाइल और दूसरा था मथुरा स्टाइल तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कौन सी आर्ट स्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था एट द टाइम ऑफ कनिष्क ये आर्ट स्टाइल आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो हमें हमेशा याद रखना है कि जिस टाइम पे कनिष्क का रूल चल रहा था उस टाइम पे इंडिया में दो आर्ट स्टाइलों ने जन्म लिया था ठीक है दो कला शैलियों का जन्म हुआ था एक थी गांधार शैली एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली या मथुरा स्टाइल अब ये आर्ट स्टाइल्स क्या थी ओके अब ये आर्ट स्टाइल्स क्या थी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं चलिए तो हम लोग आर्ट स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में दो आर्ट स्टाइल्स आई कौन सी कौन सी गांधार आर्ट स्टाइल और दूसरी कौन सी थी दूसरी थी मथुरा आर्ट स्टाइल तो समझते हैं इन दोनों आर्ट स्टाइल में इन दोनों कला शैलियों में क्या क्या अंतर था बेसिकली डिफरेंस था अब वो डिफरेंस हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है तो चलो सबसे पहले हम लोग गांधार आर्ट स्टाइल की बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं गांधार आर्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो ये जो गांधार आर्ट स्टाइल था या गांधार कला शैली था इसको इंडो ग्रीक स्टाइल भी कहा जाता था सो इट वॉज ऑल्सो इसको इंडो ग्रीक स्टाइल भी कहते थे ठीक है और साथ साथ में ग्रीक बुद्धिज्म स्टाइल भी कहते थे ग्रीक बुद्धिज्म स्टाइल इसलिए कहते थे क्योंकि इसी आर्ट स्टाइल को लेकर बुद्ध की बहुत सारे स्टैचूज इसी आर्ट स्टाइल को लेकर बनाए गए हैं ओके okay? आ, इसको गांधार स्टाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि सेंटर जो है बेसिकली सेंटर केंद्र किसको मानकर गांधार को केंद्र मानकर ये कला शैली शुरू करी थी ये आर्ट स्टाइल शुरू कर गया करा गया था तो क्योंकि सेंटर गांधार था इसलिए इसको क्या कहा गया इसको गांधार स्टाइल कहा गया ओके okay? चलिए बुद्धिज्म स्टैचूज मेड अप ऑफ ब्लैक एंड ग्रे स्टोन्स गांधार स्टाइल में जो बुद्ध थे जो बुद्धा थे उनके स्टैच्यूज बनाए गए उनकी मूर्तियाँ बनाई गई और वो आइडल्स वो स्टैचू किस चीज़ को यूज करके बनाए गए तो जो मटेरियल उनको बनाने में यूज़ करा है वो ब्लैक और ग्रे कलर के ब्लैक और ग्रे स्टोन्स को यूज करा है और बुद्ध के बहुत सारे स्टैचू बनाए गए हैं जिसे क्या कहा गया जिसे गांधार स्टाइल कहा सेकेंड आर्ट स्टाइल जो उस टाइम पर आया था वो आर्ट स्टाइल था मथुरा आर्ट स्टाइल क्या था मथुरा आर्ट स्टाइल अब मथुरा आर्ट स्टाइल में क्या यूनिक था क्या डिफरेंस था ये देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पे ब्लैक और ग्रे स्टोन यूज हुए हैं कहाँ पे गांधार में मथुरा में आपको रेड सेंड स्टोन यूज हुआ है क्या हुआ है लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल हुआ है इसमें बुद्ध से ही रिलेटेड स्टैच्यूज बनाए गए हिंदुज्म से रिलेटेड स्टैच्यूज बनाए गए और जैनिज्म से रिलेटेड स्टैच्यूज बनाए गए और हर जगह इन्होंने रेड सैंड स्टोन का ही इस्तेमाल करा है ओके इस स्टाइल में हर जगह उन्होंने रेड सैन स्टोन का ही इस्तेमाल करा है तो ये चीजें समझ में आ गई गांधार एंड मथुरा दो आर्ट स्टाइल्स थे दोनों में क्या क्या अंतर है यहाँ पर ब्लैक और ग्रे स्टोन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर ओनली रेड सैंड स्टोन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ केवल बुद्धिज्मों के स्टैचूज बन रहे हैं यहाँ पर बुद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुज्म तीनों चीजों के स्टैचूज बन रहे हैं तो ये दो अलग अलग बातें आपको क्लियर होंगी वट आई बिलीव चलो अब हम बात करते हैं कि Uh, कि कुशान डायनेस्टी के टाइम पर किसने कौन से कौन से कॉइन्स चलवाए और कौन से कौन से कॉइन्स उस टाइम पे सामने आए तो कॉइन्स की बात करें तो कुशान ने सबसे ज़्यादा कुशायण डायनेस्टी इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड ठीक है एकदम प्योर गोल्ड बाद में चीज़ें मिक्स होने लगी थी बाद में उन्होंने अदर मेटल्स को भी मिक्स कर दिया था उन गोल्ड में लेकिन सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने स्टार्ट करे थे कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर ही आए हैं सेकेंड चीज़ सेकेंड चीज़ uh, कुशाण डायनेस्टी ऐसी थी जिसने ज़्यादातर कॉपर कॉइंस को इशू करा है और साथ में गोल्ड एंड कॉपर कॉइंस को इशू करा है हमेशा एक बात याद रखनी है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कुशान डायनेस्टी ने कभी भी कुशान डायनेस्टी ने कभी भी सिल्वर कॉइंस इशू नहीं करे हैं सो दे नेवर रन सिल्वर कॉइंस उन्होंने कभी भी सिल्वर कॉइंस शुरू नहीं करे हैं उन्होंने केवल गोल्ड और केवल कॉपर कॉइंस ही शुरू करे हैं ओके okay. आगे बढ़े आगे समझें चलो तो के बाद अब हम बात करते विद्वानों की अब हम बात करते हैं कि कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे जिस समय कुषाण शासन था कुषाण वंश था उस समय कौन से कौन से स्कॉलर्स थे उस समय कौन से कौन से विद्वान थे तो उस समय के विद्वानों के बारे में बात करें तो कई स्कॉलर्स जाने जाते हैं कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर ठीक है कनिष्क के राज्यसभा में आप बात करो तो कनिष्क के राज्यसभा में उनके बहुत सारे रत्न थे बेसिकली उनके बहुत सारे ज्वेल्स थे जेम्स थे जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे अमंग वर द बुद्धिस्ट फिलोसफर उसमें कुछ बुद्धिस्ट फिलोसफर थे है ना बुद्धिस्ट फिलोसफर में हम बात कर ले तो वसुमित्र कौन कौन वसुमित्र अश्वघोष ये दोनों जो हैं ये बुद्धिस्ट फिलोसिफर थे किसके टाइम पे कनिष्क के टाइम पे डायनेस्टी के टाइम पे ठीक है पंडित थे जैसे नागार्जुन ठीक है चिकित्सक की बात करो आप डॉक्टर की बात करो तो चरक चरक के बारे में आप जानते हैं तो जो चरक थे वो भी किस समय थे वो भी कुशाण डायनेस्टी के ही टाइम पर थे ओके चलो तो ये स्कॉलर्स थे ये वो सारे स्कॉलर्स हैं जो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर रहे हैं अब हम बात करेंगे कुछ अदर रूलर्स की और उन रूलर्स का रिलीजन क्या था तो कुषाण डायनेस्टी के हम लोग बात करते हैं यहाँ पर युविष्क की ठीक है तो जो युविष्क थे ये शिव और विष्णु के आराध्यक थे यानी ये शिव और विष्णु दोनों की पूजा करते थे तो ये कौन थे युविष्क ये भी एक कुषाण रूलर थे वसुदेव की बात करें तो वसुदेव भी विष्णु और शिव की पूजा करते थे तो ये अदर रूलर्स थे ये क्या थे ये अदर रूलर्स थे कुशान डायनेस्टी के तो इतना था हमारा टॉपिक कुशान डायनेस्टी अब कल की क्लास में हमें शुंग वंश के बारे में पढ़ना है वताक वंश के बारे में पढ़ना है वकाटक वंश के बारे में पढ़ना है शुंग वंश के बारे में पढ़ना है और उसके बाद फिर हम लोग गुप्त पीरियड स्टार्ट कर देंगे ठीक है गुप्त पीरियड हमारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या शुरू कर देंगे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो हम शुरू कर देंगे और बस इतने ही टॉपिक बचे हुए हैं तो टूडेज ट्वेंटी सेवन थर्टीथ तक आपका जो है एंशेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर वी विल गो फॉर अ मैराथन रिविजन सेशन हम एक मैराथन रिविजन सेशन करेंगे जिसमें हम पूरा एंशियंट पूरा एंशियट हिस्ट्री एक ही क्लास में रिवाइज कर लेंगे ओके एंड देन इफ पॉसिबल वी विल गो फॉर अ टेस्ट हम एक बड़ा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री पे एंड दिस इज डन प्रिलिम्स के लिए चीजें हम काफी कुछ कवर कर चुके होंगे एटलीस्ट हमारा बेस तो कवर हो चुका होगा उसके बाद फिर हम लोग अगस्त से सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे ओके चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है ओके जो जो टॉपिक है पढ़ाने वाले वो मैंने आपको ज्यादा पढ़ाए कुशान में ज्यादा चीजें नहीं थी ओके चलिए अब जो जो डाउट्स हैं तो वो प्लीज बता दीजिए नहीं होती है सेन कपिल जी एंड कोई और डाउट संडे में डाइवल हिस्ट्री की क्लास कब कब चलेगी उसका अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है जैसे ही उसका टाइम फिक्स हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म यू ठीक है उसका भी टाइम फिक्स नहीं हुआ है अभी उस पर प्लानिंग चल रहा है तो जैसे ही वो हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म यू और कोई डाउट था संवाद कैलेंडर चैट का रिप्लाई अभिनव श्रीवास्तव जी जब तक मैं पढ़ाऊंगी उस टाइम पे मैं चैट का रिप्लाई नहीं करती हूं ओके पढ़ा लेती हूँ एक बार उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं अगली क्लास कहाँ से मिलेगी आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए यूपीएससी सी एस सी अजर्नी विद राजुल आपको वहां से क्या मिल जाएगा आपको लिंक मिल जाया करेगी बहुत सफिशियंट है डार्क सीक्रेट एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड बोर की आप बुक पढ़ लीजिए विच इज मोर देन इनफ़ ओके बहुत ही अच्छा सोर्स है वो एंशियंट का ओके एनी अदर डाउट एनी अदर डाउट कुछ और डिस्कस करना है सो थैंक यू वेरी मच एवरीवान अभी आपको आगे फर्दर आने वाले कोर्सेज के बारे में पता है एंथ्रो की एक स्पेशल क्लास होने वाली है अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर टैक इशू के कारण कल नहीं हो पाई थी आई विल शेयर अ लिंक मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी बाकी अनअकेडमी लर्निंग एप ज्वाइन कर लीजिए ट्रस्ट मी इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज ओके एंड मेरा ऑलरेडी सोशियोलॉजी ऑप्शन कोर्स सेशंस मिलते हैं अब हम अगली क्लास में गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं तो यदि आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं माई सजेशन इज गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड काइंडली यूज कोड आर जे एल आई आर जे लाइव